हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के, और इनको हम डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस की मदद से आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट को सीख के आप कर पाएंगे। जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, जो थोड़े से ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको समझ में आएंगे इन क्वेश्चंस की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, एक ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ब्रेवरी एंड लॉयल्टी वर रिवॉर्डेड बाय द किंग। तो एसएससी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ये कौन सा वॉइस है, यानी ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है सेंटेंस या पैसिव वॉइस में लिखा गया है। यदि पैसिव में है तो आपको एक्टिव में चेंज करना है, यदि एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज करना है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है और उसके बाद फिर उसको एनालाइज करते हुए उस क्वेश्चन को आपको करना होता है। और एक्टिव पैसिव वॉइस को करने का सही तरीका क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये बाय एलिमेंट लगा हुआ है, यहाँ पर बाय द किंग। बाय एलिमेंट एक्चुअली पैसिव वॉइस में रहता है, ठीक है। इसकी एक तो ये पहचान है, दूसरी पहचान ये है कि इजेमार के बाद, वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म जब लगी होती है, जैसे ये थर्ड फॉर्म लगी है इसमें, तो वो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। अब हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि ये पैसिव वॉइस है, अब इसको एक्टिव वॉइस में हमें चेंज करना है। अब एक्टिव वॉइस में चेंज हम कैसे करेंगे, इसमें ये जो बाय द किंग होगा, ये बाय एलिमेंट वाला जो होगा, ठीक है, ये आपका इस तरफ आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, और इसमें सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखिए ये है वर्ब, और वर्ब के इस तरफ जो दिया है वो होगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही फिर वर्ब आएगी। जैसे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ब्रेवरी एंड लॉयल्टी, बहादुरी और बहादुरी, ये दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, थीके? और दो एलिमेंट, चूंकि दो एलिमेंट्स हैं इसलिए यहाँ पर ये वर्ब का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे, सॉरी एक्टिव में चेंज करेंगे, पैसिव तो ये है ऑलरेडी, जब इसको आप एक्टिव में चेंज करेंगे तो ये किंग सब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा, और किंग चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर नहीं आएगा, इसमें आएगा वॉज। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन क्या है। अब देखिए, ब्रेवरी एंड लॉयल्टी वर रिवॉर्डेड बाय द किंग, यानी ये सेंटेंस जो है ये किंग से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहां पर किंग नहीं है और यहां पर किंग नहीं है, इन दोनों में ही किंग है, ऐसे ऐसे एलिमिनेट करते हैं सेंटेंसेस को। तो हमने ये दो सेंटेंस को एलिमिनेट कर दिया इसमें, अब इनमें से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं, ब्रेवरी एंड लॉयल्टी वर रिवॉर्डेड बाय द किंग, द किंग रिवॉर्डेड ब्रेवरी एंड लॉयल्टी। देखिए, गेव ए रिवॉर्ड नहीं आएगा, क्योंकि रिवॉर्ड को अपने आप में यहां पर एक वर्ब की तरह यूज किया गया है। रिवॉर्ड एक वर्ब भी होती है और रिवॉर्ड एक नाउन भी होती है, तो हम गेव नहीं लगाएंगे इसमें, सीधा रिवॉर्डेड बोलेंगे। जैसे यहां पर यदि आप इस सेंटेंस को देखें, थर्ड वाले सेंटेंस को, गेव ए रिवॉर्ड, यहां पर चूंकि रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड से पहले ए लगा हुआ है, ए हम कब लगाते हैं, नाउन से पहले, यानी यहां पर इसको नाउन की तरह यूज किया गया है, और यहां पर चूंकि ईडी लगा हुआ है इसमें, इसलिए इसको वर्ब की तरह यूज किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इन दोनों में देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में सही आंसर होगा सेकेंड वाला, द किंग रिवॉर्डेड ब्रेवरी एंड लॉयल्टी। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में इसमें दो चीजें हैं, ब्रेवरी एंड लॉयल्टी। अब देखिए, यहां पर रिवॉर्डेड आया है क्योंकि ये किंग के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर वर आया था क्योंकि ये ब्रेवरी एंड लॉयल्टी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि प्लूरल है। अब देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको और बताता हूं, वर रिवॉर्डेड ये पास्ट टेंस है, तो इसलिए यहां पर हमने जब इस पैसिव को एक्टिव में चेंज किया है तो रिवॉर्डेड लगाया है, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, रूल्स का एक आइडिया आपको होना चाहिए, लेकिन रूल्स को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल्स सबसे पहले तो आप रट ही नहीं सकते, उनको रटना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और अगर रट भी लिया तो उनको एग्जाम में रिकॉल करना मुश्किल होता है, एग्जाम में वो रूल्स आपको याद नहीं आएंगे। तो कॉमन सेंस अप्रोच को लगाना है आपको, ठीक है, और उस अप्रोच को किस तरीके से अप्लाई करना है, मैं यहाँ पर जो सेंटेंसेस बता रहा हूँ उनके थ्रू आपको ये सीखना है। मतलब
जब आप प्रैक्टिस करते हैं और एनालाइज करते हैं सेंटेंसेस को, तो आपका कॉमन सेंस अप्रोच काम करता है, आपको आपको पता पड़ जाता है कि इसका आंसर यही होगा, भले ही आप उसको प्रूव ना कर सकें लेकिन आपको पता पड़ जाता है और उस पर आप आंसर लगा देते हैं जो कि सही होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लॉजिक आपको बताया कि यहाँ पर वर्ब रिवॉर्डिंग लगा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस पैसिव को जब एक्टिव हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका सही होगा। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं, और देखिए एक बार आप कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, एक बार आप फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं, तो उसके बाद आप उस तरह के किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से कर पाएंगे सेम लॉजिक को अप्लाई करके। देखिए यहाँ पर देखते हैं ये सेंटेंस, शी हैड लॉक्ड द डोर, ठीक है, बिफोर शी लेफ्ट। देखिए बिफोर और आफ्टर का प्रयोग आपको पता होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में हम करते हैं, ठीक है। शी हैड लॉक द डोर मतलब वह डोर को लॉक कर चुकी थी बिफोर शी लेफ्ट, मतलब वहाँ से निकलने के पहले लेफ्ट का मतलब वहाँ से निकलने के पहले वो डोर को लॉक कर चुकी थी। तो दो सेंटेंस हैं इसमें एक्चुअली, ठीक है, तो एक ये सेंटेंस है इसमें और एक ये सेंटेंस है। देखिए इसमें शी लेफ्ट, शी जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब मिला के एक सेंटेंस बन जाता है आपका, और यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है हैड लॉक्ड, और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसमें है सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो एस बी ओ पैटर्न इसको हम बोलते हैं, एस बी यदि कहीं पर होता है सब्जेक्ट या वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो वह एक सेंटेंस माना जाता है, ये पूरा एक सेंटेंस है। इसमें लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर इसमें ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। शी लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, लेकिन क्या छोड़ दिया, वो यहाँ पर मिसिंग है, यानी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। जब इस पाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए, इसमें ऑब्जेक्ट है। शी हैड लॉक्ड, उसने लॉक कर दिया था, किस चीज़ को लॉक कर दिया था, डोर को लॉक कर दिया था, तो सी क्या है, सब्जेक्ट है, हैड लॉक्ड वर्ब है, और डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है, यानी इस पाद का पैसिव वॉइस बन जाएगा, और इस पार्ट का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, डोर से, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है शी हैड लॉक्ड और द डोर, तो ये सेंटेंस जो बनेगा इसका जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनेगा वो डोर से बनेगा, ठीक है, और इसमें हैड का क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। तो ऐसा सेंटेंस जो डोर से स्टार्ट हो रहा है और जिसमें हैड बीन दिया है वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आंसर को आपको निकालना होता है। देखिए सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा, डोर से स्टार्ट होगा, डोर इसमें ऑब्जेक्ट है। अब इसमें डोर नहीं है, इसमें डोर नहीं है, और इन दोनों में डोर है, यानी दो आपने एलिमिनेट कर दिए। ये तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, सही करने का, ठीक है। और मैंने यहां पर आपको बताया था कि हेड का क्या हो जाएगा, हेड बीन हो जाएगा, तो हेड बीन किसमें दिया है, हेड बीन केवल इसमें दिया है, इसमें तो नहीं दिया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए कितनी आसानी से आपने इसका आंसर निकाल दिया और 100% करेक्ट आंसर आपने निकाला, भले ही आपको रूल्स नहीं पता लेकिन लॉजिक को अप्लाई करके किस तरीके से आपने इसका आंसर बिल्कुल सही निकाल दिया। तो इसका जो आंसर होगा, द डोर हैड बीन लॉक्ड बाय हर बिफोर शी लेफ्ट। बिफोर शी लेफ्ट को हम ऐसा ही रखेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हम पैसिव में चेंज नहीं करेंगे, और फर्स्ट वाला पार्ट इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे तरीके से समझना है, तब आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को कर पाएंगे और तब आपका स्टडी करने का पर्पस पूरा होगा। आपको क्वेश्चंस को या सेंटेंसेस को रटना नहीं है, किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, आपको सेंटेंस के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, और फिर एक बार कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो उसके बेस पर कैसा भी सेंटेंस आ जाए आप कर सकते हैं। अब देखिए, डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या तो ऑर्डर देता है या रिक्वेस्ट देता है या कमांड करता है, ठीक है, उससे विनती करता है या उसको रिक्वेस्ट करता है या उसको ऑर्डर देता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, यानी जो सब्जेक्ट होता है, जो यू होता है, वो छुपा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून, जितने भी आवश्यक टेस्ट आपके होने हैं उनको जल्दी से जल्दी आप कराओ, ठीक है। तो यहाँ पर डू से पहले जो यू लगा हुआ है वो छुपा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पीकर बोल रहा है कि यू
डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून. तो यू हो गया सब्जेक्ट, डू हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट इसमें मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली रियल ऑब्जेक्ट टेस्ट है, लेकिन टेस्ट से पहले क्या लिखा हुआ है? ऑल द नेसेसरी टेस्ट. तो ऑल द नेसेसरी टेस्ट, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. यानी सेंटेंस आपका जो बनेगा अब पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करेंगे, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा. ऑल द नेसेसरी टेस्ट शुरू में आना चाहिए. और इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम किससे बनाते हैं पैसिव वॉइस? या तो हम लेट से बनाते हैं या शुड से बनाते हैं. जैसे जैसे ओपन द डोर, ठीक है, तो इसका क्या होगा? लेट द डोर बी ओपन्ड, इसका ऐसे बनेगा. अब यहाँ पर आप यदि ध्यान से देखें तो ये आपने एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया, केवल दो में ही इसमें इसमें क्या है? लेट है. अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है. जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, जैसे टू डू, तो इसको हम चेंज कर देंगे टू बी डन में. टू डू को हम चेंज कर देंगे टू बी डन में, लेकिन इसमें टू तो दिया नहीं है, इसमें केवल डू है. तो ये किस में चेंज होगा? ये बी डन में चेंज होगा, बी डन में. अब बी डन कहाँ पर दिया है? केवल एक सेंटेंस में बी डन दिया है, इसमें तो नहीं दिया बी डन, केवल इसमें दिया है बी डन, सेकेंड वाले में, ठीक है. तो आंसर क्या होगा इसका? सेकेंड होगा. तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है आपको, रूल्स को रटना नहीं है. हालांकि रूल्स का एक आइडिया होना चाहिए, एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, लेकिन उनको रटना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे. वहां पर आपका लॉजिक ही आपके काम में आएगा. तो यहां पर देखिए मैंने किस तरीके से लॉजिक को अप्लाई किया कि ऑल द नेसेसरी टेस्ट सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है. डू का क्या हो जाएगा? डू का बी डन हो जाएगा. डू का बी डन क्यों हो जाएगा? क्योंकि टू प्लस डू या टू प्लस बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या हो जाता है? टू बी डन हो जाता है, टू बी डन पैसिव वॉइस में. तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए आंसर तक पहुंचना है, और ऐसे आप करेंगे तो सही आंसर बिल्कुल निकालेंगे आप. अब इस सेंटेंस को देखिए, पीपल ऑट टू, एक होता है ऑट टू. ऑट टू एक्चुअली शुड का इक्विवेलेंट होता है. ऑट टू, ऑट टू का मतलब होता है कि ऐसा आपको करना चाहिए, ये मोरल ड्यूटी के लिए आता है. तो एक होता है ऑट टू और एक होता है ऑट नॉट टू. एक होता है ऑट टू, एक होता है ऑट नॉट टू. ऑट टू जो है वो पॉजिटिव है, ऑट नॉट टू जो है वो नेगेटिव है. पीपल ऑट नॉट टू स्पीक, लोगों को नहीं बोलना चाहिए. पीपल ऑट नॉट टू स्पीक, स्पीक अबाउट सच थिंग्स, लोगों को नहीं बोलना चाहिए. लोगों को क्या नहीं बोलना चाहिए? सच थिंग्स. क्या का जो आंसर आता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, और वहां से सेंटेंस शुरू होगा पैसिव वॉइस में. तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट निकालना है, और ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? क्या हम पूछते हैं, व्हाट, ठीक है. और व्हाट का जो आंसर आता है वो होता है ऑब्जेक्ट. पीपल ऑट नॉट टू स्पीक अबाउट, लोगों को नहीं बोलना चाहिए. क्या नहीं बोलना चाहिए? सच थिंग्स. कहां पर नहीं बोलना चाहिए? इन पब्लिक. तो क्या का जवाब क्या है? क्या का जवाब है सच थिंग्स, ठीक है. तो सच थिंग्स से सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा. अब सच थिंग किस किस में दिया है? सच थिंग तीन में दिया है, एक आपने एलिमिनेट कर दिया. अब देखिए यहां पर देखिए, नॉट टू स्पीक, मैंने क्या बताया था कि टू स्पीक यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हो जाएगा टू बी स्पोकन, ठीक है, पैसिव वॉइस में. तो नॉट टू स्पीक का क्या हो जाएगा? नॉट टू बी स्पोकन, नॉट टू बी स्पोकन. अब नॉट टू बी स्पोकन कहां कहां दिया है? नॉट टू बी स्पोकन, नॉट टू बी स्पोकन इसमें दिया है, नॉट टू बी स्पोकन, ठीक है. इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, ठीक है, केवल केवल सेकंड में दिया है नॉट टू बी स्पोकन. तो यहां पर आप देखिए, सच थिंग्स आउट ऑट नॉट टू बी स्पोकन अबाउट इन पब्लिक, तो सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा. सच थिंग्स आउट टू बी नॉट नहीं होगा, आउट आउट नॉट टू बी होता है एक्चुअली, ठीक है, नॉट टू बी स्पोकन होता है. तो इसमें सारे देखिए एलिमिनेट हो रहे हैं, केवल केवल सेकेंड ही लॉजिकली यहां पर फिट हो रहा है. सच थिंग्स आउट नॉट टू बी स्पोकन अबाउट इन पब्लिक, तो सेकेंड इसका सही आंसर हो गया आपका, ठीक है. आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एसएससी के सभी एग्जाम्स में. बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है और फिर क्वेश्चंस को करना है. देखिए ये एक क्वेश्चन है, आई शैल बी कॉम्प्लीमेंटेड,
ये कौन सा सेंटेंस है? बाय ऑल व्हेन आई विन द गेम. तो इसमें एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया गया है. आई शैल बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय ऑल, मेरे को सभी लोगों के द्वारा कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा. व्हेन आई विन द गेम, जब मैं खेल जीत लूंगा तो मुझे सभी लोगों के द्वारा कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा. तो यहाँ पर एक सेंटेंस इसमें ये जुड़ा हुआ है, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है. और अभी मैंने आपको बताया था कि बाय एलिमेंट जिसमें लगा होता है वो क्या होता है? पैसिव वॉइस. तो ये पैसिव है, ठीक है. तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे? आई शैल बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय ऑल. तो ऑल से ये सेंटेंस बनेगा और शैल बी का क्या हो जाएगा? शैल बी का शैल हो जाएगा. यदि शैल का शैल बी हो रहा है तो शैल बी का शैल हो जाएगा, ठीक है. विल का विल भी हो जाता है. विल यदि एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में विल भी हो जाएगा. और विल बी का उल्टा हम पीछे की तरफ आएंगे तो विल बी का विल हो जाएगा. उसी तरीके से शैल बी का शैल हो जाएगा. तो यहाँ पर जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो ऑल से होगा कि ऑल शैल या ऑल विल. देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है. ऑल विल कॉम्प्लीमेंट मी व्हेन आई विन द गेम, ठीक है. तो इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो केवल सेकंड वाला ही सही है. ऑल विल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मी व्हेन आई विन द गेम. तो इसको हम नहीं बनाएंगे सेकंड वाले पार्ट को, ठीक है. इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, इसको हम बनाएंगे पैसिव को. ये पैसिव है, इसको हम एक्टिव में चेंज करेंगे, ठीक है. पैसिव है तो इसको हम एक्टिव में चेंज कर देंगे. और ये वाला जो पार्ट है ये तो पहले से ही एक्टिव में है तो पूरा वो एक्टिव में आ जाएगा, ठीक है. तो ऑल विल कॉम्प्लीमेंट मी व्हेन आई विन द गेम, ये इसका आंसर हो जाएगा. इसमें देखिए चूंकि फ्यूचर में है इसलिए विल या शैल ही आएगा. ऑल के स्थान पर हम एवरीवन तो लगाएंगे नहीं, ऑल के स्थान पर हम आर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस फ्यूचर में है. और विल हैव नहीं लगाएंगे इसमें. विल हैव एक्चुअली एक्टिव में आता है जिसका पैसिव विल हैव बीन होता है. तो ये भी गलत हो गया. तो देखिए एलिमिनेट करके भी सेकेंड ऑप्शन आ रहा है और लॉजिक से भी सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड होगा. तो इस तरीके से ये है सही तरीका क्वेश्चंस को करने का. अब देखिए ये एक सेंटेंस है और ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस. डिड लगा है तो डिड हम किस में लगाते हैं? पास सिंपल टेंस में. पास सिंपल टेंस को जब हम सिंपल अफर्मेटिव में चेंज करते हैं तो ये वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है, वॉज वर्ब में. डिड ही प्लान एन एक्सकर्सन टू माउंटेन. डिड को जब हम चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस कौन सा है? एक्टिव है क्या पैसिव है? ये एक्टिव है. डिड ही प्लान एन एक्सकर्सन टू माउंटेन. तो कहाँ से बनेगा ये? इसमें हम देखते हैं. देखो एक्सकर्सन का मतलब होता है घूमने जाना, ठीक है. तो वर तो आएगा नहीं एन के साथ, ये एक एलिमिनेट कर दिया, ठीक है. तो चूंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए इसमें हाँ इसका इसलिए ये वॉज हो जाएगा. और वॉच के साथ हम पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे. तो वॉज एन एक्सकर्सन टू माउंटेन प्लान्ड बाय हिम, ये इसका आंसर हो जाएगा. इसमें देखते हैं वॉज एन एक्सकर्सन टू माउंटेन नहीं आता, वॉच के साथ इसमें बीन नहीं आता, तो ये वाला सेंटेंस हो गया गलत. वॉज एन एक्सकर्सन टू माउंटेन बींग प्लान्ड बाय हिम. बींग तो कंटिन्यूस टेंस में हम लगाते हैं तो ये तो कंटिन्यूस टेंस नहीं है. जैसे ही इज प्लानिंग एन एक्सकर्सन, ही इज प्लानिंग एन एक्सकर्सन, इसमें बींग आएगा तो ये कंटिन्यूस टेंस तो है नहीं इसलिए बींग नहीं आएगा. और वॉच के साथ बीन नहीं आता, बीन आता है हैज के साथ, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है. तो इसमें वॉज एन एक्सकर्सन टू माउंटेन प्लान्ड बाय हिम, इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट. ये भी एक काफ़ी अच्छा सेंटेंस है और काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन की गुंजाइश है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सही तरीके से आपको समझना है. आप प्रैक्टिस करें रेगुलर बेसिस पर और मॉक्स दें आप ज़्यादा से ज़्यादा. जितने ज़्यादा आप मॉक्स देंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको और उतनी ज़्यादा सफलता की संभावना बढ़ेगी. दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ इज नोन टू ऑल. सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्टिव है या पैसिव है. ये पैसिव है. क्यों है पैसिव? क्योंकि इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है. इज एम आर या वॉज वर या हैज बीन हैव बीन के साथ जब थर्ड फॉर्म होती है तो पैसिव होता है. अब इसको चेंज करना है एक्टिव में. अब इसको करते हैं हम एनालाइज. तो ये है आपका नाउन, अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूं. ये है आपका वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है. ये है आपकी वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट. ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया नाउन. लेकिन यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक सेंटेंस लिखा गया है, ये नाउन कैसे हो सकता है? देखिए नाउन का इक्विवेलेंट भी नाउन ही होता है.
चाहे वो नाउन हो, चाहे वो कंपाउंड नाउन हो, चाहे वो नाउन फ्रेज हो, चाहे वो नाउन क्लॉज हो, ठीक है। इससे पहले यहां पर ये वर्ब है, वर्ब से पहले नाउन आएगी। अब वो नाउन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, एक नाम हो सकता है वो, एक सेंटेंस हो सकता है वो, एक फ्रेज हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नाउन ही माना जाएगा। इसको हम बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है, क्योंकि ये एक फैक्ट है और फैक्ट एक नाउन होता है। जैसे दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ इज नोन टू ऑल, मतलब ये चीज सबको पता है। क्या चीज सबको पता है कि ये कहावत है एक्चुअली ब्रोथ हम बोलते हैं, एक शोरबा टाइप का होता है, एक मीट, जैसे 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 हिंदी में सूप जो होता है, सूप, तो नॉन वेज सूप, सूप होता है ये। और यहाँ पर ये कहावत है कि बहुत सारे यदि कुक्स उसको बनाने में लग जाएं तो वो सूप को बिगाड़ देंगे, बेकार बनेगा वो, और एक ही कुक उसको बनाए तो वो अच्छे तरीके से उसको बनाएगा। तो इसका फिगरेटिव मीनिंग ये निकलता है कि एक काम को जब बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो काम जो है वो बिगड़ जाता है। तो ये एक फैक्ट है, ये एक प्रोवर्ब है, इसको आप इट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर इट लगाएंगे, दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, तो ये हो जाएगा इट इज नोन टू ऑल, मतलब ये चीज सबको पता है। क्या चीज सबको पता है, ये देखिए, इसमें भी क्या का आंसर कहावत के रूप में आ रहा है, क्या सबको पता है, ये सबको पता है, ये कहावत है। तो जब क्या का आंसर जब आता है तो वो क्या होता है, अभी मैंने बताया था वो नाउन होती है, तो ये नाउन क्लॉज है। एक्चुअली क्लॉज का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, टू मैनी कुक्स है, और वर्ब क्या है, स्पॉइल है, ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रोथ है, यानी ये एक पूरा सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस जो रखा गया है वो कहाँ पर रखा गया है, वो नाउन की पोजीशन पर रखा गया है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, नाउन क्लॉज बोल रहे हैं इसको हम। तो इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे बनेगा, ये सेंटेंस दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ इज नोन टू ऑल, तो इज नोन वर्ब है, टू ऑल एक्चुअली इसमें ऑब्जेक्ट है, तो टू ऑल एक्चुअली इस तरफ आएगा इसमें। तो नोन टू ऑल जब एक्टिव में चेंज होगा तो ये बन जाएगा ऑल नो, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया पूरा ऑब्जेक्ट। ये इट का रिप्लेसमेंट है। तो यदि आप इसको एनालाइज करें तो ये हो गया सब्जेक्ट ऑल, ये हो गया वर्ब, और इसके स्थान पर आप इट को रख सकते हैं, ये इट का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये तीनों चीजें आ गई इसमें। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल नो दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। तो ये काफी अच्छा ये सेंटेंस है, ये सीजीएल टू टीयर टू का एक्चुअली सेंटेंस है, और काफी अच्छा ये सेंटेंस है, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास को आप कई बार देखिए, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। रतन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, ये तो सरल है, ये कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस में हम बीइंग लगाते हैं जेएमआर के साथ, ठीक है। ये है इसमें सब्जेक्ट, रतन इसमें सब्जेक्ट है, इज परफॉर्मिंग ये है वर्ब, इसमें रतन इज परफॉर्मिंग, रतन परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में चूंकि वोवेल साउंड है इसलिए एन लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस कहां से बनेगा, यदि इसका पैसिव वॉइस बनाए तो ये यहां से बनेगा, एन एक्सपेरिमेंट से। और एसएमआर के साथ हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, बीइंग। तो एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय रतन, एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय रतन। इसमें सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा फर्स्ट, इसमें एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म, ये सही है इसमें, इसमें इसमें तो बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग नहीं है, और इसमें भी इसमें बीइंग है, लेकिन इसमें उल्टा कर दिया है सेंटेंस को। एक्सपेरिमेंट से सेंटेंस बनेगा, रतन से नहीं बनेगा, इसमें रतन शुरू में दे दिया, ये गलत हो गया। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा इसका आंसर, एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय रतन, ठीक है, ऐसे ये बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द जज ऑर्डर्ड द मर्डरर टू बी हैंग्ड, मतलब जज ने ऑर्डर दिया कि जो मर्डरर है, जिसने मर्डर किया है, उसको क्या किया जाए, हैंग किया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। तो इसका आंसर देखिए, द जज ऑर्डर्ड, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, तो ये क्या होगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा। जज ने ऑर्डर किया किस चीज को ऑर्डर किया, कि मर्डरर को हैंग किया जाए, यानी ये क्या है, ये एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है। और एक्शन क्या होता है, सिंगुलर होता है, एक्शन किसी चीज का नाम होता है।
तो जज हो गया सब्जेक्ट, ऑर्डर हो गया वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको आप इट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसको इसको इट से, क्योंकि ये एक एक्शन है। जज ऑर्डर्ड इट, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं कि नहीं, द जज ऑर्डर्ड इट। और इट को यदि एक्सपेंड किया जाए तो इसका आंसर ये आ जाएगा, मर्डरर टू बी हैंग्ड। तो इसलिए इट से ये सेंटेंस बन जाएगा। तो यहां पर हम बोलेंगे इट वॉज ऑर्डर्ड बाय द जज टू हैंग द मर्डरर। ये काफी अच्छा सेंटेंस है और काफी सारे स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस, मैंने जिस तरीके से समझाया इस तरीके से आपको समझना है। अब देखिए, इस वाले सेंटेंस में कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि रूल्स का एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, लेकिन रूल्स को आपको रटना नहीं है, लॉजिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉजिक को अप्लाई करना है। और लॉजिक को जब आप अप्लाई करना सीखेंगे तो वोकेबलरी में, रेडी कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में, पैराजम्बल में, सब जगह ये आपके काम में आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉजिकली सोचना है आपको, और यही एग्जाम्स में टेस्ट होता है। देखिए यहां पर आप देखिए ध्यान से, इट इज टाइम टू वॉटर द प्लांट्स, मतलब ये अब समय आ गया है कि हम पेड़ों को क्या दें, पानी दें। तो यहां पर टू के बाद क्या लगता है, टू के बाद वर्ब लगती है, तो यहां पर वॉटर को एक वर्ब की तरह हमने यूज किया है, ये वर्ब का काम कर रहा है वॉटर इस वक्त। यहां पर वॉटर का मतलब है पानी देना, ना कि पानी, क्योंकि ये टू के बाद लगा हुआ है। इट इज टाइम टू वॉटर द प्लांट्स, इट इज टाइम टू वॉटर वॉट, वॉटर द प्लांट्स। तो वॉट का आंसर आ गया, वॉट का आंसर आ गया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और यहां से आपका पैसिव वॉइस बनेगा, द प्लांट्स। हाँ, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, इसका आंसर होगा, इट इज टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वॉटर। देखिए इसको एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पर टू वॉटर लिखा है, तो टू प्लस बी वन को हम किस में चेंज करते हैं, 2 प्लस बी वन को हम चेंज करते हैं 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो 2 वॉटर का टू बी वॉटर्ड हो जाएगा, 2 वॉटर का क्या हो जाएगा पैसे में, टू बी वॉटर। अब टू बी वॉटर्ड इसमें केवल फर्स्ट सेंटेंस में दिया है, बाकी में टू बी वॉटर्ड दिया ही नहीं है। तो ऐसे भी आप इसको सही कर सकते हैं, फर्स्ट इसका आंसर होगा, इट इज टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वॉटर्ड। ठीक है, तो हालांकि मैंने 10 ही सेंटेंस लिए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश की है, और इन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको सीखने को मिलेंगे। तो इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी मैं इस कोर्स में अपलोड करूंगा, तो उनको भी आप देखें, इनको देखें आप, लॉजिक को आप अप्लाई करें, और मॉक्स आप शुरू से लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, डेफिनेटली इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक आप पहुँच जाएंगे। क्योंकि जो भी रैंकर्स एंड टॉपर्स होते हैं उनमें एक बात कॉमन रहती है कि वो मॉक टेस्ट शुरू से लगाते हैं और रेगुलरली लगाते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। यदि ये तीनों चीज़ें आप करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस ले सकते हैं एसएससी किसी भी एग्जाम में। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें और इसको अप्लाई करें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।